हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लो वोल्टेज। आज हम सीखेंगे कूपर के ईएन पैनल के कनेक्शंस। तो हमने कुछ डिटेक्टर्स, डिवाइसेस, एमसीपी, साउंडर लिए हुए हैं। आइए उनके कनेक्शन जानते हैं। सबसे पहले आपको हम पेपर डायग्राम पे समझा देते हैं। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में कूपर का पैनल लिया हुआ है। कोई भी पैनल हो सकता है, सी एफ 2000, CF 1200, CF 1100, CF 3000, आपके उसके लूप के कनेक्शंस S प्लस S माइनस, जो कि लूप स्टार्ट होता है, F प्लस F माइनस, जहां लूप फिनिश होता है। ऐसा लूप नो, अगर आप, मैंने जो यहां पर डिस्प्ले कर रखा है वो CF 1100 है, जो कि एक लूप का पैनल है। आपके पैनल के पीसीबी के ऊपर ऐसा ही कनेक्शंस लिखे हुए नजर आएंगे। तो आप जब वायर्स निकालते हैं तो S प्लस S माइनस, उसको डिटेक्टर के बेस पे लेके आते हैं। डिटेक्टर का बेस कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, एंड डिटेक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ डिटेक्टर बेस पे आपको नंबरिंग लिखा होता है 1, 2, 3, 4, एंड अर्थिंग के आपके ऑप्शन दिखते हैं। जहाँ डिटेक्टर की बात करते हैं तो डिटेक्टर का बैक साइड ऐसा नजर आता है, इस तरीके से। फ्रंट फेस इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे एक एलईडी का चैम्बर जो ब्लिंक करता है वो विजिबल होता है। स्लॉट्स होते हैं जहाँ से स्मोक एंटर करता है, जिससे वो सेंस करता है। इसके कनेक्शन जानने के लिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि हमने 4 पे डाला है। तो 4 पे हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे, 4 से आउट करेंगे एंड नेक्स्ट डिटेक्टर पे चला जाएगा। जहां से आप देखेंगे तो S प्लस से आपका जो नेगेटिव वायर आ रहा है आप 1 पे डालेंगे, जो कि एज ए इनपुट पार्ट होगा, और आप 2 से निकालेंगे एज ए आउट पार्ट होगा। तो ये वाला अब आपका, अगर मान लीजिए आपने एमसीपी लिया तो एमसीपी पे चला जाएगा, साउंडर पे लिया तो साउंडर पे चला जाएगा। हमने यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने एमसीपी पे लगाया हुआ है। तो एमसीपी आपको मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ। एमसीपी कुछ इस तरीके से आता है। एमसीपी के साथ एक बॉक्स आता है, बैक बॉक्स आता है। ये फ्लश माउंटिंग एमसीपी है। तो मैंने जो कूपर का फ्लश माउंटिंग एमसीपी लिया हुआ है, इसके साथ आपको ग्लास मिलता है, आपको एक लॉकिंग की मिलता है। आप कनेक्शन यहाँ देखेंगे तो उन्होंने पेपर पे मैनुअल पे कम्प्लीटली समझा रखा है कि कनेक्शन कैसे होने हैं। यहाँ पे एक पैनल डिस्प्ले किया हुआ है, ये आपने इसके कनेक्शंस में देखते हैं। तो इन एंड आउट यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्लियरली विजिबल किया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन है जो लूप का, मान लीजिए आपने एमसीपी में, यहाँ से आपने स्मोक डिटेक्टर से निकाला, स्मोक डिटेक्टर से इन में जाना है। तो यहाँ पे इन के पॉजिटिव को, पॉजिटिव में जो 4 नंबर से निकल रहा है उसको पॉजिटिव में डालना है। यहाँ पे जो नेगेटिव में निकला है उसको नेगेटिव पे लगाना है। देन उसका जो आउट पॉजिटिव है वो नेक्स्ट किसी डिवाइस पे या डिटेक्टर पे जा सकता है, नेगेटिव भी ऐसा ही जा सकता है। हमने यहाँ कनेक्शन डिटेल के अकॉर्डिंग हमने साउंडर लिया हुआ है। मैं आपको साउंडर दिखा देता हूँ। हमने साउंडर लिया हुआ है, तो साउंडर के साथ बैक बॉक्स आता है, इसका की भी साथ में आता है। अब हम चेक करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंडर में इन एंड आउट लूप इन मीन्स आप यहाँ पे पॉजिटिव इन लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में, एंड आउट कर देंगे लूप के पॉजिटिव और नेगेटिव को, जैसा कि डिस्प्ले में यहाँ पे आपको डायग्राम में भी समझाया गया है एंड यहाँ पे भी आपको विजिबल है। देन इसके बाद हम एमकॉम जो आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल है वो लिया हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एमकॉम मॉड्यूल के अंदर आपको इस तरीके के बॉक्स में मिलता है, साथ में आपको एक डिवाइस इस तरीके से दिखेगा जिसपे आपको रिले पॉइंट्स होंगे, कॉमन एनओ एन सी, एंड यहाँ पे आपको लूप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इन एंड आउट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसा कि कनेक्शन में भी आपको डिस्प्ले किया हुआ मैंने। जो एमकॉम में पॉजिटिव इन है एंड आउट है, वो आपको जो पीछे से आउट आ रहा है वो यहाँ के इन पे लगाना है। तो यहाँ पे लूप इन में जो पीछे से आ रहे हैं आउट वाले वायर्स वो लगा देंगे, एंड जो आपका नेक्स्ट आपको डिवाइस में देना है वो आउटपुट से बाहर निकाल देंगे। जैसा ही आपको यहाँ पे कनेक्शन रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि ये लूप इन है, ये लूप आउट है, एंड ये इसके एन ओ एन सी के आउटपुट के पॉइंट्स हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन समझा रखा है। जैसे आपको जो भी इस यूज़ करना हो, जो भी इस फॉर्म में भी आउटपुट लेना है, आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इसी वायर के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इनपुट मॉनिटर मॉड्यूल लिया हुआ है, उसमें कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ 2 रेजिस्टेंस मिलते हैं, एक हमें डिवाइस इसी तरीके से मिलता है। आप यहाँ कनेक्शन रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो कनेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप इन लूप आउट यहाँ पे विजिबल है, जो हमने आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल से लिया था।
वो इनपुट आया है, इन पे आने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट पे लग जाएगा यहाँ पे एंड आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे अगेन किसी हम जो डिवाइस का इनपुट लेना चाहते हैं वो इन प्लस पे और इन माइनस पे लगा देंगे। कनेक्शंस इस तरीके से रहेंगे, ये 22K का रेजिस्टेंस है जो कि हम पैरेलली इस तरीके से फिट कर देंगे यहाँ इन दो टर्मिनल्स के बीच में, और इसको डिवाइस के 5.6K के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे डिवाइस के। जब ये कनेक्शन होता है तो यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से, आपको यहाँ टच करना है एंड देन उसके बाद आप इनपुट देंगे लाइक दिस। एंड इसको पैरेलली कनेक्शन करना है, मीन्स आप इस तरीके से और इसको इस तरीके से, और इसको शोल्डर कर लें प्रॉपर। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से ट्विस्ट किया, एक्चुअल ये रहता है, तो आप इसको शोल्डर कर लीजिए ताकि कनेक्शन बार बार लूज ना और डिवाइस आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर दे। देन इसके बाद आप जो मॉनिटर मॉड्यूल के कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, सेम इसी तरीके से इन एंड आउट आपको लूप पे लगाना है। एंड जब इस डिवाइस को ओपन करते हैं, कन्वेंशनल डिवाइसेज आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस पे अप्रॉक्सीमेटली 20 कन्वेंशनल डिवाइसेज आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे भी आप देख सकते हैं लूप इन लूप आउट का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है, जिसके साथ यहाँ पे आप इनपुट्स में आप जो इन एंड आउट है वहाँ जैसे कन्वेंशनल किसी भी थर्ड पार्टी का आप डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं या कूपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डिटेक्टर को आप फिट कर रहे हैं उसके कनेक्शंस यहाँ पे इन पे लग जाएगा। साथ में एक एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस इसका आता है, और इस एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस को हम जो लास्ट डिटेक्टर डिवाइसेस है उस पे कनेक्ट कर देंगे। एंड मैं आपको एक्चुअल एक कनेक्शन दिखा भी देता हूँ। तो हमने ये छोटा सा लूप बना रखा है जिसमें हमने स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, MCP, साउंडर्स लगा रखे हैं। तो ये हमने लूप का वायर निकाला हुआ है, लूप का वायर है हमारे पास, तो हमने वायर बना रखा है। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट में डिवाइसेस को इस तरीके से रोटेशन में घुमा रखा है। तो ये हमने कुछ डिटेक्टर डिवाइसेस लगा रखे हैं एंड हमने इसको यूटिलाइज कर रखा है इसी वे में जो आपको कनेक्शन समझाए हैं। थैंक यू।